छात्रों ने जीसी कॉलेज के द्वार के नामकरण को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए जमा। आज जीसी कॉलेज के दो द्वारों को नामकरण को लेकर प्राचार्य को एबीईपी के छात्रों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि दोनों द्वारों को एक ब्यावर गेट तो दूसरे का नाम एनसीएम गेट के नाम से जाना जाता है, जबकि दोनों ही नामों का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनका कहना है कि एक गेट का नाम अंबेडकर द्वार और दूसरे गेट का नाम जाट शासक महाराज सूरजमल करने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर आज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। हाँ बताइए, क्या समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है? आज विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीसी इकाई द्वारा जो महाविद्यालय के दो प्रवेश द्वार है उनके नामकरण को लेकर ज्ञापन दिया गया। पूर्व में एक गेट को ब्यावर गेट के नाम से और दूसरे गेट को सेंट एंसलम गेट के नाम से जाना जाता है, परंतु उनका महाविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। तो आज विद्यार्थी परिषद ने एक गेट का जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वार करने के को लेकर और जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम अम्बेडकर द्वार करने को लेकर ज्ञापन दिया कि इनका नाम ये कर किया जाए, जिससे महाविद्यालय के इन महापुरुषों की जो जीवनी है उनको जानने के बारे में और इन नामों से प्रेरणा मिले और वो पढ़ने का मौका मिले। अभी जो वर्तमान में इनका एक गेट को ब्यावर गेट के नाम से जाना जाता है और जो दूसरा वाला गेट है उसे सेंट एंसलम के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका महाविद्यालय से कोई संबंध नहीं है दोनों नामों का। गेट पे क्या लिखा है नाम? गेट पे कोई नाम नहीं लिखे गए, किसी प्रकार के कोई नाम नहीं लिखे गए हैं। तो हमने आज ज्ञापन के माध्यम से प्राचार्य महोदय को अवगत कराया कि आप वहाँ तुरंत जल्द प्रभाव से लेखांकन करवाएं नामों का, महाराजा सूरजमल नाम द्वार और अंबेडकर द्वार का नाम। विकास गोरा, इकाई अध्यक्ष, एबीवीपी।